Lovely morning to all my adorable people. Now, 10 minutes back only, I got a guidance from the angels that I should bring angel reading for you people. Angel guidance, आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है आज का आपके लिए, वो जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना. अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ये मैसेज आपके लिए है. और मैं पहले आपकी एनर्जीज को क्लेंस कर रही हूँ. आई एम जस्ट क्लेंजिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू, इन योर हाउस, at your workplace. Just close your eyes, connect with the angels and feel as if angels, they are working for you. Angels, आपकी सारी negativity, आपकी सारी नकारात्मक शक्तियाँ, जितनी भी energies आपके आसपास हैं, उन सबको remove कर रही हैं. And now you are a complete positive soul, a happy soul and a blessed soul. You can close your eyes, let it be like this, so that you can get connected. Close your eyes now. Receive this positive energy, this divine energy. This divine flame, divine light. And now comes the message for you people. Yeah. So what is the important message? Angels, they told me to, you know, to give you that guidance. So I'll bring it. Let me pray to my angels. Wow, this is so beautiful. The next, amazing. So these are the two very important messages for you people today. Balance, spirituality and practicality. Look, your life is your life, but sometimes what happens, everything, you know, goes into excess. या तो आप बहुत over practical हो जाते हैं, आपको time ही नहीं मिलता अपने लिए, spirituality के लिए, किसी भी divine energy से connect होने के लिए. So this is the time to balance your life. Angels are guiding you. किसी भी तरीके की life आपकी चल रही है, कुछ भी आपके life में experiences हैं, whatever you are going through, this is the time to please balance it. आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है बाबू. इस टाइम लाइफ आप अंदर से तो परेशान हैं, बट आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपके पास स्ट्रेस है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. बट एंजल्स क्या कह रहे हैं, अपने लिए टाइम निकालो. स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट गोइंग टू टेम्पल और चर्च, नो. स्पिरिचुअलिटी इज़ टू नो डीपर एंड डीपर द मीनिंग्स ऑफ लाइफ. अपनी ज़िंदगी के मतलब को समझिए. वॉट इज़ द लाइफ पर्पज, वॉट इज़ योर सोल पर्पज ऑन यूनिवर्स. आप इस प्लैनेट अर्थ पे क्यों आए हैं, वॉट इज़ द पर्पज ऑफ योर्स, किस लिए आपको भेजा गया है. सो दैट पर्पज शुड बी, यू नो, दैट बी क्लियर. आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पज, अपना मकसद क्लियर रखना चाहिए. कहीं ना कहीं ऐसा है जो मुझे दिख रहा है इसमें, बिकॉज फुल मून इन पाइसेस, आई कैन सी इमोशंस आर देयर विच आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुडे. इमोशनल हैं आप बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं. कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में ज़रूर हुआ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये क्यों हुआ, वाई इट हैपन्ड, किस लिए हुआ. सो एंजल्स आर सेइंग दिस इज द राइट टाइम टू बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. प्रैक्टिकलिटी, लाइफ को बाबू एक जर्नी लेके चलेंगे तो कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा. एंड यू आर प्रोटेक्टेड, बिलीव मी, यू आर प्रोटेक्टेड. अदरवाइज ये मैसेज मुझे आज नहीं आता दैट आई शुड ब्रिंग दिस मैसेज फॉर योर पीपल. ये गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. आंट वी, यू नो, ब्लेस पीपल. क्या हम लोग ब्लेस नहीं है कि मुझे एकदम से बैठे बैठे एकदम से मैसेज आया दैट दिस रीडिंग शुड ब्रिंग फॉर यू पीपल, दोज हू हैव सब्सक्राइब द चैनल, इजंट इट. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ मैसेज. जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप लाइफ में अपना गोल आपका फिक्स है, दिस इज द राइट टाइम. व्हाई? बिकॉज इट इज गेटिंग पेइंग ऑफ. आपकी जितनी भी मेहनत है वो रंग ला रही है. आपने जितने भी काम किए हैं, जितनी भी प्लानिंग है, ये फर्दर यू आर प्लानिंग, वट एवर यू आर प्लानिंग विल बी पेड ऑफ. जो भी आप प्लान कर रहे हैं बाबू, जिस भी तरीके की प्लानिंग है, जो भी एनर्जी दे रहे हैं अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने लाइफ में, समथिंग न्यू इज ऑल्सो, यू नो, कमिंग अवे. कुछ ना कुछ अब नया भी प्लान कर रहे हैं. अब वो प्लानिंग है और यू एग्जीक्यूटिंग इट, यू आर गेटिंग, यू नो, यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट. जो भी आप कर रहे हैं, दिस इज द, यू नो, फॉर यू पीपल, दिस इज माई magical, you know what it is, see,
हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। मैंने आप सबकी विशेज इसमें डाल दी हैं। आई हैव रिक्वेस्टेड अलादीन का चिराग दैट प्लीज़ वट एवर माई यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, माई मोक्षा फैमिली, माई इंस्टा फैमिली इज़ विशिंग फॉर, प्लीज़ फुलफिल ऑल देयर विशेज। आई कॉन्ट ओपन इट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन द प्रेयर, सो आई विल बी ओनली डूइंग द स्मजिंग एवरी डे फॉर 11 days, एंड दिस इज़ फॉर यू पीपल। दिस गाइडेंस आई गॉट फ्रॉम एंजल्स इन द मॉर्निंग, and that moment I'm making that this video for you people, so do not worry। thoda sa practical aur spirituality ko apni life ke andar apne aap ko waqt de, thoda sa apne aap ke andar samjhe ki life kahan ja rahi hai, what all you need to plan, jo bhi aapne planning ki hai again pen down, again reconsider it ki kya kya kami aa rahi hai, kyon ye cheeze nahi ho pa rahi। take time for yourself, take time for your soul, apne aap ko khushi dena aapka farz hai, this is your duty, दिस इज़ योर बर्थ राइट इवन, सो वाई कैन यू बी हैप्पी। सबको खुश करते रहेंगे तो हम कब खुश होंगे, कभी सोचा है आपने अपने आप से? अगर आप दूसरों को ही खुश करते रहेंगे बाबू, अपने आप को कैसे करेंगे? सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बैलेंस योर लाइफ एंड अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम अहेड, बिलीव मी गाइज, वेरी ब्यूटिफुल टाइम अहेड। सेलिब्रेशन टाइम है, बहुत ही प्यारा सा टाइम है, इस टाइम को बिल्कुल मत खोइए, इस टाइम को बिल्कुल मत मिस करिए। एंजल्स का मैसेज है, आप मुझे खुद कॉल करके बोलेंगे विद इन अ वीक्स टाइम कि प्रिया मैम आई एम फीलिंग मच मच बेटर टुडे, बिकॉज दिस इज नॉट ऑर्डिनरी मैसेज, इट इज़ डिवाइन मैसेज, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। You need to understand. Now show me that beautiful smile on your faces and I will bring more such messages. Whatever guidance I will get, I will bring for you people. Love you all from the core of my heart. Anything you want to ask me, you can comment below the video. Okay, in the comment section, I will answer you, baby. Thank you. God bless you. Have a happy, happy, a very happy Monday.